कुछ याद वाद है कि कहाँ तक बताए थे? लास्ट क्वेश्चन कौन सी था अंतिम में? समझ गए, हल होने के शर्त, हल होने के शर्त ने। आज भी मान के चलो कि क्लास के वही टॉपिक है, हल होने के या फिर के का मान ज्ञात करें, वही हेडिंग वही डालेंगे, हल होने के शर्त। आज के क्लास में भी वही चलेगा, हल होने का शर्त है मान के चलिए। आज मतलब कुछ थोड़ा हट के रहेगा जिसमें के का मान निकालना होगा। उस दिन सबसे लास्ट क्वेश्चन जो भी दिए थे आंसर आया था -10/3, यही ना है? आज लिखो, आज भी हेडिंग वही है कि हल होने के शर्त पे आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन, के ABCD वाला के किस मान के लिए दिए गए समीकरण युग्म असंगत होंगे? असंगत होंगे, हम फिर से एक बार बोलते हैं, के किस मान के लिए दिए गए समीकरण युग्म असंगत होंगे? असंगत होंगे, असंगत होंगे। जैसे दोगो समीकरण, पहला समीकरण है 4x + 6y - 11 = 0, पहला समीकरण। दूसरे समीकरण को देखें तो 2x + ky - 7 = 0, कम से कम इतना लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, बाकी बता देंगे, बना लेना। के किस मान के लिए समीकरण युग्म संगत होंगे? अब संगत माने क्या होता है, यहाँ देख लो क्वेश्चन लिखने, तो संगत के मतलब है कि एक लाइन है L1 और दूसरा लाइन है L2, दोनों एक दूसरे को काट दिया, मतलब मिल गया। अगर मिल रहा है इसका मतलब कि संगत है। अच्छा, संगत के सिर्फ यही नहीं कंडीशन होता है, संगत के एक और भी कंडीशन है। संगतें बोले कि असंगत बोल दें, असंगत। अरे कहाँ है मिटाने वाला, वहाँ है, तो गड़बड़ हो गया ये जो देख रहे हो नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये किसके लिए, ये तो संगत के लिए हम बताए थे। असंगत मतलब हो गया एक लाइन ऐसे L1 और दूसरा लाइन ऐसे L2, दोनों एक दूसरे के समानांतर है, मतलब असंगत है। और इस सिचुएशन देख के ये भी पता चलता है कि कब बताए थे, जब A1/A2 B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये हम बताए थे कि A1/A2 = B1/B2 और डज नॉट इक्वल टू C1/C2, वो दोनों देख के बताना है। A1 कितना है इसमें से बटा, A2 कितना है मतलब दूसरे में कितना दिखाई दे रहा है, 2 तो 2 बैठा दो, बराबर B1 6, B2 कितना है के, डज नॉट इक्वल टू भी बैठा दीजिए क्योंकि डज नॉट इक्वल टू चाहिए, C1 और C2, तो C1 कितना हो गया -11 और C2 कितना हो गया माइनस, ऐसे भी कट गया उधर, हल वल करके देखे उससे अच्छा है 2 × 2 = 4, तो ठीक है 2/1 = 6/k डज नॉट इक्वल टू 11/7। अब अगर k निकालना है तो k के कंपैरिजन या तो पहले वाला के साथ या तो फिर
तीसरा वाला सर दोनों ठीक है। जैसे यहीं पे अगर देखें तो कहेंगे 2/1 बराबर के, सॉरी के नहीं, 6/k, 2 × 3 = 6, यही तीन होगा। देखो जहाँ बड़ा है वहाँ लिखा था, कैसे मतलब ऐसे समझो कि 2 से ई भी कट गया, 2 × 2, 2 × 4 द्वितीया, 3 बार में ई भी 2 से कट गया, 2 × 1 = 2। बाद में k को उधर भेज देंगे तो k बराबर कितना, या तो ऐसे आंसर होगा, या तो अभी पूरा नहीं हुआ, या तो ये भी हो सकता था कि 6/k जो है डज नॉट इक्वल टू 11/7। तो वैसन सिचुएशन में के इधर आ जाओ, के इधर आ जाओ, के तो के इधर आ जाएगा, इसका मतलब है 7 उधर चल जाएगा, 6×42/11। तो आंसर या ही होगा के डज नॉट इक्वल टू 42/11, या तो के बराबर 3, मतलब दोनों आंसर होगा। बना अपने से लेना। अगला क्वेश्चन हम मिक्स्ड देते हैं, मिला जुला के, के का वह मान ज्ञात करें, एक बार 3-4 क्वेश्चन बताते हैं। के का वह मान ज्ञात करें, के का वह मान ज्ञात करें जिससे दिए गए समीकरणों के निकाय का अद्वितीय हल हो। के का वह मान ज्ञात करें जिससे दिए गए समीकरण या समीकरणों के निकाय का अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल हो। अद्वितीय मतलब कोई दूसरा हल नहीं हो, सिर्फ एक ही वो हो। अद्वितीय हल हो, पहला क्वेश्चन x-2y = 3, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण 3x + ky = 1, 3x + ky = 1, k का मान निकालना है और अद्वितीय हल नहीं है, ध्यान रखना है। जैसे ही कुछ और था, असंगत मतलब कोई हल नहीं है, ये अलग चीज़ है। क्वेश्चन नहीं बोलना है, सिर्फ समीकरण पे ध्यान देना है। समीकरण ध्यान से सुनिए, पहला समीकरण x-2y = 3, पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण है 3x + ky = 1, 3x + ky = 1। नहीं सुन के लिख पा रहे हो तो बोलो, कोई लिखे हैं तो समीकरण लिखवा दीजिए। पहला समीकरण x-2y = 3, समीकरण फर्स्ट, दूसरा समीकरण 3x + ky = 1, समीकरण दूसरा। अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल होने का शर्त लिख लीजिए, लिख लीजिए। अद्वितीय हल होने का शर्त लिखो, a1/a2 लिख लो, लिख लो। हम तब तक लिखल नहीं कहते हैं जब तक हम लिखते रहते हैं, अभी हम नहीं लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। तो लिखिए, अद्वितीय हल होने का शर्त a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तरीक झमेला इतना रहता है ना, डज नॉट इक्वल टू b1/b2। यहाँ देख कर बताइए, a1 कितना है, a2 कितना है, उसमें से a1 एक है, a2 3 है, b1 कितना है वहाँ पे, b1 - 2 है और b2 k है। c1 से तो मतलब होने हैं, क्योंकि सूर्य में अगर दोनों कट गया तो आगे से मतलब है नहीं, a1 a2 मिल गया यहीं पे। a1 मतलब यहाँ पे 1,
ए वन या ए टू कहाँ मिलेगा, तो एक्स के जो साथ है ऐसे लिख देते हैं, अद्वितीय हल होने का शर्त। अद्वितीय हल होने के कंडीशन है कि ए वन बाई ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू, ऐसे ही सब हिसाब बनेगा। अभी जितना तीन चार हिसाब देंगे सब ऐसे ही बनेगा। ए वन बाई ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू। ए वन बाई ए टू कितना, ए वन, ए वन मतलब एक, बटा ए टू कितना, तीन। डज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू, बी वन कितना, माइनस टू, बी टू कितना, के। आगे तो जाने नहीं, जब शुरू में डज नॉट इक्वल तो आगे जाने नहीं है, डायरेक्ट तिरछा तिरछे गुना करो। के बराबर कितना, के बराबर नहीं, के डज नॉट इक्वल टू कितना, इसका ही मतलब हो गया कि के का मान माइनस छः, मतलब माइनस छः को छोड़कर बाकी जितना होगा सब सही है, सिर्फ माइनस छः नहीं होना चाहिए। अगला जैसे दूसरा समीकरण देते हैं, हाँ, टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो हो गया। दूसरा समीकरण, के एक्स माइनस सिक्स वाई, के एक्स माइनस सिक्स वाई माइनस एट इक्वल टू जीरो, के एक्स माइनस सिक्स वाई माइनस एट इक्वल टू जीरो। हिंदी में बोले तो हिंदी में क्या बोलेंगे, दो एक्स प्लस तीन वाई माइनस पाँच बराबर जीरो, के एक्स माइनस छः वाई माइनस आठ बराबर जीरो, हिंदी क्या बोलेंगे इसमें, नहीं लिखा तो बताइए। हमारे लिखे से पहले आप आंसर बताइए कि के का मान कितना आएगा। के डज नॉट इक्वल टू मतलब माइनस चार छोड़ के जो भी लिखना है लिखो, लेकिन माइनस चार जैसे ये वाला जब बताएं तो के का मान माइनस छः नहीं होना चाहिए। के डज नॉट इक्वल टू इसका मतलब है माइनस छः छोड़कर जो लिखना है लिखो। बोलिए क्वेश्चन, बोलिए क्या है। सम टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फाइव बराबर, समीकरण फर्स्ट। दूसरा समीकरण, के एक्स माइनस सिक्स वाई माइनस आठ बराबर, समीकरण सेकेंड। एक्स के साथ जो है वो ए है, एक्स के साथ जो गुना है वो ए है, एक्स के साथ जो गुना है ए है, बोलो इसमें ए वन कितना है, ए टू कितना है, बी वन कितना है, तीन, बी टू कितना है, और सी वन सी टू कितना है, तो सी वन हो गया और सी टू हो गया। अद्वितीय हल होने के शर्त तो हम जो कहते हैं जुबान पर फिट होना चाहिए, अद्वितीय हल क्या होगा, फिर से अद्वितीय हल होने का शर्त बोलो, क्या कंडीशन है अद्वितीय हल के लिए, शर्त क्या है, क्या है, ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू। मतलब बैठो, मतलब ये भी कह सकते हैं, हिंदी में भी हम बोल सकते हैं कि ए वन बटा ए टू बराबर नहीं होगा बी वन बटा बी टू, कम से कम ये भी तो बोले ए वन बाई ए टू। इधर इधर देख लो, इधर फिर अपना काम करते रहना। ए वन बाई ए टू बराबर नहीं होगा बी वन बाई बी टू। अब ए वन बाई ए टू कितना, ए वन कितना है दो, और ए टू कितना, के। डज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू, बी वन कितना नज़र आ रहा है तीन, बी टू कितना नज़र आ रहा है माइनस छः, माइनस छः रख दो। अगर देखो काट सकते हैं तो काट देंगे, तीन दूनी छः। अच्छा के यहाँ से हटाओ, के जो बटा में इसको यहाँ से हटाइए। अब इधर हटाने का मतलब है कि गुना कर दो, तो के बराबर बोलो कितना लिखें, तो वहाँ तो दो है ना, और साथ साथ ही दो भी चल गया, दो नहीं गया माइनस दो गया, तो के बराबर चार, नहीं नहीं बराबर नहीं, के डज नॉट इक्वल टू माइनस चार, मतलब माइनस छोड़ के यहाँ पर कुछ भी लिख दो ऐसा बन जाएगा, सिर्फ माइनस छः नहीं होना चाहिए।
अगला हिसाब। हाँ, -4 नहीं होना चाहिए। अगला समीकरण के एक्स प्लस थ्री वाई, के एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू के, इज इक्वल टू के नहीं लिखो, इज इक्वल टू के माइनस थ्री, के माइनस थ्री। फिर से बोलें, के एक्स प्लस तीन वाई बराबर के माइनस तीन, के माइनस, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण, 12x प्लस के वाई, 12x प्लस के वाई बराबर के। बोलो पहला समीकरण क्या लिखे, के एक्स प्लस थ्री वाई बराबर के माइनस थ्री, और दूसरा समीकरण है 12x प्लस के वाई बराबर के। बताइए कितना आंसर आएगा, के बराबर छ, के बराबर आया है, डज नॉट इक्वल टू, के डज नॉट इक्वल टू सिक्स। प्लस माइनस छ, अजीब आया था। हाँ, जो भी आया हो प्लस माइनस आएगा। कितना है समीकरण युग्म, पहला तीसरा नंबर, के एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू के माइनस थ्री, समीकरण फर्स्ट। दूसरा समीकरण मान लेते हैं, 12x प्लस के वाई बराबर के, समीकरण दूसरा। a1 b1 c1 पूरा क्लियर हो जाना चाहिए अब तक। जैसे इसमें अगर पूछे, हाँ मानो कि जो k है ना, इसको बोलेंगे a1, आई वाला बोलेंगे b1, वो देखवेर करेगा, वो लगल है। अब a1 मतलब k, B1 मतलब तीन, और C1 मतलब K-3। इसमें A2 कितना है, 12, और B2 और C2। पहले इतना समझ में आना चाहिए कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये है क्या। अब भले फिर से लिखेंगे, तीन चार बार लिखेंगे जब मैं याद हो जाएगा। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होने के शर्त, तीन चार बार जानबूझ के लिख रहे हैं। कम से कम अब तो याद हो गया होगा कि हाँ भाई, A1 बटा A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। आगे तो देखने नहीं कि आगे क्या है। A1 A2 देखते हैं। A1 माने कितना है के, A2 मतलब कितना है 12, डज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। B1 कितना है 3, B2 कितना है के, के को यहाँ गुना कर दो तो के स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 12 36। तो के डज नॉट इक्वल टू, जैसे जो इधर स्क्वायर है वो बराबर के उस तरफ जाके अंडर, या जो भी रहे, जैसे बराबर नहीं भी है तो भी रूट हो जाएगा। के डज नॉट इक्वल टू, तो सिर्फ छः नहीं बोलेंगे, प्लस माइनस छः, और आंसर दोनों लिखेंगे प्लस माइनस छः। ना तो के बराबर प्लस छः होना चाहिए, ना ही माइनस छ होना चाहिए। अगला समीकरण आंसर बताइए तो, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू के, लिख देते हैं, इतना जगह यह खाली नहीं रहता, इतना जगह काफी। क्वेश्चन नंबर 4, 5x माइनस 4y बराबर के, समीकरण फर्स्ट है। दूसरा समीकरण अगर देखें तो 3x माइनस 2y बराबर 12, समीकरण सेकेंड है। इन दोनों को हल करो और बताओ तो k बराबर कितना आएगा। बताइए कितना होगा, कि कहाँ आए हम।
के बराबर। हम समझ रहे हैं तुम लोग समझ गए हो, बोलल नहीं खाली आ रहा, कोई कह रहा है के का मान कुछ भी नहीं होगा, कोई कहेगा क्वेश्चन में गलती है, सब चीज़ सही है, कोई दिक्कत नहीं। के जगह पे आप कुछ भी रख दीजिए, कोनो फ़र्क नहीं पड़ेगा, अद्वितीय हल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अद्वितीय हल के लिए क्या है सर, ए वन बाई ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन बाई, इधर हम बोलबो करते हैं कि इधर देखो, इधर हम कभी बोले भी हैं कि सी वन बाई सी टू पे ध्यान दी, हम कहाँ बोलते हैं ए वन बोलो कितना 5, ए टू बोलो कितना 3, डज नॉट इक्वल टू बी वन बोलो माइनस 4, ये 5/3 है, डज नॉट इक्वल टू, इन्हें कितना है, कहाँ है इसमें के है, जब के ही नहीं है तो मान क्या रखे, बोलो के जगह पे कुछ भी रख दो, जैसे एजा पे तू रख दो के यहाँ यहाँ समझो, यहाँ अगर हम 50 रख देंगे और रस क्या होगा, अरे उससे क्या हो जाएगा, तब भी तो अद्वितीय हल होबे करेगा। के जगह पे अगर 10 रख दें तब अद्वितीय हल होने के लिए क्या चाहिए, ए वन बाई ए टू ऐसा है एरा में, देखो तो कहाँ है, ए वन बाई ए टू मतलब 5/3 और फिर -4/-2, ये दोनों आपस में बराबर नहीं ना है, अरे ने C1 के या C2 12 ये जब कुछ भी रखो ने उससे अद्वितीय हल पे कोनो असर पड़े वाला नहीं, अगर कोई हल नहीं है या अनंत हल है तो सोचते भी अद्वितीय हल में, मतलब डायरेक्ट बोलो कि के जगह पे कोई भी वास्तविक संख्या कोई फर्क नहीं पड़ता है, डायरेक्ट बोलिए के बराबर कोई भी वास्तविक संख्या। ये तो तब था जब अद्वितीय हल है, अब देते हैं कोई हल नहीं हो इस पर आधारित, तो क्वेश्चन लिखो के का मान ज्ञात करें, जितना क्वेश्चन में छोड़ते हैं दोबारा बनता उनता है। अच्छा रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद कॉपी चेक कर लेंगे एक बार, क्यों डेली के काम है, कॉपी एक बार देख लेंगे। के का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरणों के निकाय, के का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए नीचे दिए गए समीकरणों के निकाय, के का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए दिए गए समीकरणों के निकाय, के का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए दिए गए समीकरणों के निकाय का कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं हो, दिए गए समीकरणों के निकाय का कोई हल, कोई हल मेन ध्यान देना कि हम यही बोल रहे हैं कोई हल, उसमें बोल रहे थे अद्वितीय हल हो और अब बोल रहे हैं कोई हल, तो कोई हल नहीं हो इसके लिए शर्त क्या है, ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू डज नॉट इक्वल टू सी वन बाई, है ना, वो क्या लिख रहा है अभी तो हम कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं लिखल तो नहीं बोल रहे थे। पहला समीकरण 3x-4y+7=0, 3x-4y+7=0, 3x-4y+7=2, मतलब 3x-4y+7=, दूसरा समीकरण kx+3y-5=0, kx+3y-5=0, बोलो अगर के निकाल सकते तो निकाल के बताइए के बराबर कितना, इस बार दले कोई हल नहीं तो पहले लिख लीजिए कोई हल नहीं होने के शर्त, उतना तो लिख सकते हैं कोई हल नहीं होने के शर्त, ए वन बाई ए टू बराबर बी वन बाई बी टू डज नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू, और मैं जी के लिए
दोनों 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 कंसीडर करना है, इक्वल टू वाला भी और डज नॉट इक्वल टू वाला भी, दोनों निकालना है। एक एक आ रहा है, हो सकता है, देख लेते हैं। समीकरण बोलो, समीकरण युग्म बोलो क्या है, 3x-4y+7 इक्वल टू 0, समीकरण फर्स्ट, ठीक है। दूसरा समीकरण बोलो, kx+3y-5 बराबर, समीकरण सेकेंड। वो बना लेगा, जब तक नहीं बनाएगा तब तक नहीं रुकेगा। करना कुछ ही है, अद्वितीय हल नहीं, नहीं लिखना है कोई हल नहीं होने के, या का जो भी रहे, कोई हल नहीं होने के शर्त है। क्या शर्त? a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। a1/a2 देख के बोलो, 3 हो गया वहाँ से, k हो गया बराबर, माइनस में 4 हो गया और प्लस में 3, हाँ मतलब 3 डज नॉट इक्वल टू c1, 7 हो गया माइनस में 5। तो के यहाँ पर है, हम यहीं से पहले इसके साथ कंपेयर करते हैं, देखते हैं के बराबर कितना, मतलब इसको वहाँ गुना करते हैं तो अच्छा उल्टा पुल्टा हो गया, चल इधर एक लाइन एक लाइन, 3/k लिखें, इधर लिखते हैं -4/3, पहले एक करके कंपेयर करते हैं इसका कंपेरिजन इससे। तो के उन्ने चल गया था, के बराबर माइनस में 9, माइनस कैसे आया, अरे वहाँ जो माइनस है ना समझ लो, ना -9/4 के बराबर, यही आंसर। या तो अभी और भी बाकी है, हो सकता है कि इसको उसके साथ बराबर कर दें, ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में मतलब ये जो इसका मान है वही इसका मान है और ये खुद इसके बराबर नहीं, तो इसका मतलब ये भी उसके बराबर नहीं है। 3/k डज नॉट इक्वल टू 7/-5। बोलो तो के जो बटा है इसको उस तरफ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, के बराबर, के जो नीचे देख रहे हैं ना इसको उधर लिख दिए ऊपर, तो -5 को इन्हें भेजेंगे, माइनस में 15/7, एक मिनट, डज नॉट, तो के बराबर या तो इतना आंसर आएगा कि बराबर नहीं हो, या तो बराबर हो तो इतना आंसर आएगा -9/4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, नेक्स्ट। kx+3y kx+3y is equal to 3 kx+3y is equal to 3। जब हम क्वेश्चन में लिखाते हैं तो एक्सप्रेशन देखते हैं, तो उन्हीं में से आपका ध्यान रहता है जितना जल्दी छापें, जब हम क्वेश्चन लिखाते हैं छापे पे ध्यान, जब हम बताना शुरू करते हैं तो क्वेश्चन लिखने पे ध्यान, नहीं नहीं थोड़ा नहीं करे, बहुत वैसन है जिसका ध्यान गड़बड़ है, जैसे अभी क्वेश्चन बोल रहे हैं तो हम इधर हैं और छापे में लगल हैं। समीकरण क्या है, kx+3y बराबर, हाँ 3, और दूसरा समीकरण 12x+ky बराबर 6, 12x+ky बराबर 6, बताइए k इक्वल टू कितना आएगा, प्लस माइनस, बड़ी जल्दी आ गया आंसर, डज नॉट इक्वल टू में भी गए थे,
और इक्वल टू में क्या आया? बन गया पहला समीकरण क्या, एक बार बोलो। के एक्स प्लस थ्री वाई बराबर थ्री, समीकरण फर्स्ट। दूसरा समीकरण बोलो, ट्वेल्व एक्स प्लस के वाई इक्वल टू सिक्स, समीकरण। ये दूसरा समीकरण है, ये पहला समीकरण है क्या? इसमें मतलब करना को चाहिए अद्वितीय हल या कोई हल नहीं? कोई हल नहीं, कम से कम इतना तो लिख सकते हैं भाई कि कोई हल नहीं होने का शर्त क्या है बोलो। ए वन बाई ए टू बराबर बी वन बाई बी टू डज नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू, बोलो ए वन बाई ए टू क्या है? के आ बटा बारह बराबर बी वन बाई बी टू थ्री, बी वन मतलब तीन और वहाँ से के डज नॉट इक्वल टू तीन आ बटा में छः, जहाँ से कंपेयर करो, जैसे कि अगर के निकालना था एक बार इन दोनों में कंपेरिजन, तो जिसको समझ में आता है डायरेक्ट के स्क्वायर को गुना मतलब के स्क्वायर लिख दिया और उधर बारह ती आई, तो के बराबर कितना प्लस माइनस में छः। एक तो ये तरीका, दूसरा इधर से अगर हल करके देखते हैं कि के सॉरी के बोल रहे हैं हाँ तीन बटा के बराबर तीन बटा छः डज नॉट इक्वल टू, हालांकि ही तीन से तीन पार के को उधर भेजे तो डज नॉट इक्वल टू छः। इधर कहता है के बराबर प्लस माइनस सिक्स होगा, उधर से पता चलता है के बराबर छः नहीं होगा, मामला गड़बड़ हो गया। ठीक है, और एक और है, अभी तो ये बाकी है, इसको अगर कंपेयर करेंगे तो और अजीब से आंसर आएगा। तो जब ऐसा अजीबो गरीब आंसर आवे लगता है ना परीक्षा में, अजीब अजीब तरीका, जैसे यहाँ से कंपेयर करें के बटा बारह बराबर तीन बटा छः, तीन दूनी छः इसे ही कट गया, के डज नॉट इक्वल टू छः। जब ऐसा अजीबो गरीब आता है ना तो वैसा काम छोड़ देवल जाता है, कहते हैं के बराबर सिर्फ टिक लगा देना, कितना प्लस माइनस छः। ऐसे एक को कह रहा है कि के बराबर प्लस माइनस सिक्स दोनों होगा, वहाँ से कहता है के डज नॉट इक्वल टू सिक्स, तो ये मना कर रहा है और यहाँ प्लस माइनस छः दोनों आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जब भी प्लस वाला काटिए और के बराबर सिर्फ लिखिए, कोची ज़्यादा बेहतर रहेगा माइनस सिक्स, प्लस सिक्स नहीं रख सकते क्योंकि वहाँ मना कर रहा है। एक बार हम रख लेते, देखो ऐजा बोलो प्लस वाला, ऐजा बोलो माइनस वाला, प्लस ए वाला, जब यहाँ छः रखे थे तो छः या बटा ठीक है, फिर तीन बटा और फिर तीन बटा छः, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर तीनों के तीनों आपस में क्या हो जाएगा? तो देखो जिसको समझ में आता है, जो अपना दिमाग चला सकता है, वो सोचेगा कि अगर ऐजा हम रख दें के जगह पर कितना, यहाँ के जगह पर कितना छः आया है, कहाँ आया वहाँ नहीं है, वहाँ है ना के डज नॉट इक्वल टू, ये तो खैर हेवे किया है, ये तो हेवे किया है, हम वहाँ से कह रहे कि अगर के इक्वल टू कह रहा है छः नहीं रखना, तो हम ज़बरदस्ती रख के देखते हैं छः एक्स आप बोलो प्लस में थ्री वाई बराबर, दूसरा समीकरण बोलो बारह एक्स बराबर छः, देखो तो ये कोची हो जाएगा, मतलब ये क्या हल क्या होगा, इसको हल क्या बोलेंगे, ये कौन से हल वो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अगला एक्स प्लस टू वाई, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू थ्री, इज इक्वल टू थ्री, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू थ्री, दूसरा समीकरण। के माइनस वन इंटू एक्स
के माइनस वन इंटू एक्स, के माइनस वन ब्रैकेट में घेर के, के माइनस वन को पोस्ट में घेर देना है, इंटू एक्स प्लस के प्लस वन इंटू वाई, मतलब के प्लस वन को ब्रैकेट में घेर देना है इंटू वाई इज इक्वल टू के प्लस टू, के प्लस टू। बताइए के बराबर कितना आंसर आएगा। पहला समीकरण कितना, पहला समीकरण एक्स प्लस टू वाई बराबर तीन, समीकरण फर्स्ट। दूसरा समीकरण के माइनस वन इंटू एक्स प्लस के प्लस वन इंटू वाई बराबर के प्लस टू। इसमें ए वन कितना, ए वन तो ठीक है एक, बी वन कितना, हाँ दो, सी वन कितना, ए टू कितना, इधर देख के बताए, ए टू, ए टू कितना, ये जो है ना ये टू है, बी टू कौन है, अरे ए बी सी जे बोलते हैं, ए रहेगा एक्स के साथ, बी रहेगा वाई के साथ, अजय कांस्टेंट है उसी है, पहलौका वाला है तो ए वन बी वन सी वन हो गया, और दूसरौका वाला तो ए टू बी टू सी टू हो गया। अब करना क्या है, कोई हल नहीं होने के, और कोई हल नहीं होने के शर्त अब तक तो मालूम हो गया होगा क्या होता है, कोई हल नहीं होने के शर्त ए वन बाई ए टू आगे बोलो, कोई हल नहीं होने के शर्त, अच्छा अच्छा हाँ, डज नॉट इक्वल टू सी वन बाई ए वन बाई ए टू बराबर बी वन बाई, हाँ इधर बोलो ना कि बराबर नहीं होगा सी वन बाई सी टू, अलग चीज़ है, हालांकि वहाँ तक ज़रूरत जल्दी पड़ता नहीं है, लेकिन हम तीनों बता दे रहे हैं इन दोनों में या उन दोनों में भी, ए वन बाई ए टू बोलो, यहाँ पे ए वन कितना है, ए वन मतलब एक्स के आगे यहाँ पे वन है, ए टू मतलब उसमें देखे तो के माइनस वन बराबर बी वन बी टू, बी वन के मतलब यहाँ से दो बटा बी टू मतलब यहाँ पर के प्लस वन, डज नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू बताइए, तीन और बटा में के प्लस टू, गुना करो तिरछा तिरछा, इसको यहाँ गुना कीजिए, मतलब अगर के निकालना है तो पहले इन दोनों को हल कर ले, इसको यहाँ गुना करो के प्लस वन और इसको वहाँ गुना करो टू के माइनस टू, अगर के चाहिए तो काम करो के उधर भेजो, कितना हो जाएगा, से टू के तो है लेकिन ये वाला के जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो जाके घट जाएगा, मतलब कितना के बराबर माइनस दो को इधर भेजेंगे तो तीन हो जाएगा, ठीक है के बराबर निकल गया। डज नॉट इक्वल टू, तो वह एक बार कंपेयर कर लेते हैं,
इसका कंपैरिजन उससे, दो बटा के प्लस वन डज नॉट इक्वल टू थ्री बाई के प्लस टू, गुना करो तिरछे तिरछे के टू के प्लस चार डज नॉट इक्वल टू थ्री के और प्लस थ्री। अब क्या करें, टू के बराबर के उस तरफ लेके जाओ या जो भी बोलो, डज नॉट इक्वल टू के उधर लेके जाओ, बोलो कितना होगा। इसे टू के उधर जाके तो घटेगा तो के हो गया, वैसे ही तीन इधर आके घटेगा एक, और सर एक होगा एक, तो के डज नॉट इक्वल टू एक, लेकिन के बराबर तीन, मतलब तीन होगा लेकिन एक नहीं होगा, एक नहीं होगा, क्योंकि अगर एक हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, ये ना फिक्स कर दिया, तीन होगा। तो क्या होगा क्या नहीं होगा दोनों बता दिए, हालांकि वो सिर्फ पूछ रहा था क्या होगा। कोई हल नहीं हो, अद्वितीय हल हो, दोनों बन जाता। अनंत हल वाला में तीन बार बराबर मिलेगा, एक वो भी देख लो भाई, अनंत हल होते होते अनंत हल भी एगो देख लीजिए, के किस मान के लिए, समीकरण युग्म या समीकरणों के युग्म के अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे, अनंत हल, अनंत हल के शर्त होता है ना कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 अब बराबर c1 बाई, मतलब इस बार तीनों रेशियो आपस में बराबर होता है, x के गुणांक y के गुणांक और कांस्टेंट तीनों आपस में बराबर होगा। क्वेश्चन है कितना देखिए, पहला समीकरण 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, और दूसरा समीकरण k प्लस 2 ब्रैकेट में लिखना है k प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 को ब्रैकेट में लिखोगे 2k प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 2k माइनस 1, मतलब 3 तो लिखें और फिर ब्रैकेट में घेर के लिखेंगे 2k माइनस 1, 2k माइनस 1। बना लेना, लेकिन उससे पहले कम से कम हमको समीकरण बोल दो कि हम बोले क्या। 2x माइनस 3y बराबर 7, ये समीकरण फर्स्ट है। दूसरा समीकरण k प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2k प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 3 इंटू 2k माइनस 1, बताइए अगर बनता है तुम लोग से, तो बन जाएगा तो बोलो कितना होगा आंसर। x के कोएफिशिएंट a, y के कोएफिशिएंट b, और जो कांस्टेंट हो सी। अब चाहे एक्स के साथ पहले गुना है तो बोलेंगे ए वन, अगर एक्स के साथ इधर गुना है तो बोलेंगे ए टू, वाई के साथ वहाँ है तीन मतलब माइनस तीन तो बोलेंगे बी वन, और यहाँ पर वाई के साथ है चूँकि प्लस वन वो भी माइनस में तो हो गया बी टू। ए वन कितना है तुम बोलो तो वहाँ से, नहीं नहीं इससे बीच टू, टू ए है
एक्स है ना, हाँ 2x है ए। तो सबके पता चलता है ए कितना है, इसमें ए कितना है, ए ए वन, ए वन हाँ, बी वन। अरे यार तुम लोग के पता चलता होगा ना, ए वन कितना है, हाँ बी वन कितना है, 3 नए हैं माइनस 3 है। सी वन कितना है, 7 है। इसमें ए टू कितना है, के प्लस 2। बी टू कितना है, माइनस में 2k+1। सी वन सी टू कितना है, सब अजीब है कि इधर में ध्यान देगा, क्या करना है बोलो। अपरिमित रूप से अनंत हल हो तो अनंत हल होने का शर्त बोलो क्या लिखें। ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू। ए वन ए टू ढूंढते हैं, ए वन कितना, ए वन 2 कितना लग रहा है, ए वन मतलब 2x है, एक सुख सभी लपेट दो। ए वन मतलब सिर्फ 2 है तो सिर्फ 2 लिखें, बटा ए टू मतलब कितना, के प्लस 2 बराबर कितना, माइनस 3। और बी टू माइनस में 2k+1 ब्रैकेट में घेर दो। और सी वन सी टू 7 बटा में, हालांकि इधर जाके नौबते नहीं आ रहा है, हमको k ही नहीं निकालना है, और k यही दोनों में तो निकल रहा है, गुना करो, दो दुनी 4k आ प्लस में 2, उसको गुना कीजिए, तो k को इधर भेजो तो k, इसको इधर भेजो 4, बन गया। आगे बढ़े की ज़रूरत नहीं, इसमें डज नॉट इक्वल टू वाला कंडीशन नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं दे ले है कहीं डज नॉट इक्वल टू, तो फिर इसको और इसको काल दिमाग खराब करना, बन गया के बराबर कितना। बाकी उसके बाद एक यहाँ क्वेश्चन देते हैं, बना के बताइए, तो क्वेश्चन लिखो, अब देखते हैं कितना तेज़ी से और कितना जल्दी बनाते हो, जितना जल्दी बना सकते हो। के एक्स प्लस 3y माइनस के एक्स प्लस 3y माइनस ऑफ के एक्स प्लस 3y माइनस ब्रैकेट में घेर के लिखना, के माइनस 3, के माइनस 3 इज इक्वल टू 0। के एक्स प्लस 3y और माइनस में फिर ब्रैकेट में घेर देना, के माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और दूसरे समीकरण की बात करें तो 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0। दूसरा समीकरण बोले हैं 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0। पहला समीकरण क्या बोले हम लिख देते हैं, पहला समीकरण बोले हैं के एक्स प्लस 3y माइनस में के माइनस 3 इज इक्वल 0। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, इसका आंसर बताइए कितना होगा, इसका सॉल्यूशन कितना बन गया, प्लस माइनस तो लग रहा था कि नहीं बनेगा, तो सब पहले से बना, आप परिमित रूप से अनेक हल है ना, चलो इसका सॉल्यूशन कर ले बता देंगे, तो सबके कॉपी चेक कर लेते हैं।